सुकमा में सीआरपीएफ और डीआरजी जवानों ने लूटे गए एलपीजी गैस सिलेंडर से भरे पिकअप को बरामद कर लिया है, जिसके लिए देर रात जवानों ने ऑपरेशन चलाया। इसके बाद पिकअप घोर नक्सल क्षेत्र के जंगल से बरामद की गई। रायगढ़ जिले के लेलुंगा थाना क्षेत्र के ग्राम पंडरी झरिया में रहकर एक क्लिनिक में काम करते हुए जशपुर जिले के डुमरी टोली बगीचा निवासी हृदयनाथ पैकरा को रायपुर में चपरासी की नौकरी लगा देने तथा 5-6 अन्य लोगों से भी नौकरी लगा देने के नाम पर लगभग 8,90,000 रुपए की ठगी कर फरार होने वाले आरोपी को बगीचा पुलिस ने झारखंड से गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर जिले की सिरगिट्टी पुलिस ने थाना क्षेत्र अंतर्गत कार में अलग अलग स्थानों में घूमकर पीएसएल 2020 क्रिकेट मैच में मोबाइल के जरिए सट्टा खिला रहे आरोपी करण पंजवानी को मुखबिर की सूचना पर पकड़कर 5,00,000 रुपए नकद बरामद किया है। सरगुजा के भट्टी रोड स्थित व्यवसायी ऋषि सिंह उर्फ टीनू के घर मंगलवार की सुबह जीएसटी एवं सेंट्रल एक्साइज की 12 सदस्यीय टीम ने दबिश दी। व्यवसायी ऋषि सिंह उर्फ टीनू विभिन्न कार्यों की ठेकेदारी करते हैं, साथ ही उनकी सब्जी और डेयरी का भी बड़ा कारोबार है। बिलासपुर जिले में अलग अलग थाना क्षेत्र की पुलिस ने अभियान चलाकर जुआ सट्टा के खिलाफ व्यापक स्तर पर कार्रवाई की है। लगभग दर्जन भर जुआरियों और सटोरियों को गिरफ्तार किया गया है। जुआरियों के पास से पुलिस ने नकद भी बरामद किया है। घर में पूजा कराने के दौरान साधु ने महिला से नजदीकी बढ़ाई और फिर शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण कर फरार हो गया। महिला की शिकायत पर 3 माह से फरार बलात्कार के आरोपी पुजारी को भिलाई नगर पुलिस ने उज्जैन मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर दुर्ग न्यायालय में पेश किया है। बिलासपुर के जरहाभाटा की मिनी बस्ती में नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए सर्वे करने पहुंची तो लोगों ने जमकर हंगामा किया, फिर निगम के अफसरों से दुर्व्यवहार करते हुए धक्का मुक्की करने लगे। विवाद को देखते हुए नगर निगम को पुलिस बल बुलाना पड़ गया। भू माफियाओं से परेशान एक किसान पुनीत राम टंडन ने राहुल गांधी के सामने ही आत्मदाह करने का ऐलान कर दिया है। आलम यह है कि प्रदेश की राजधानी की पुलिस और जिला प्रशासन के अफसर राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। बलौदाबाजार की कोतवाली पुलिस ने चिटफंड कंपनी गरिमा रियल एस्टेट के डायरेक्टर आरोपी बनवारी लाल कुशवाहा को भरतपुर राजस्थान से न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार किया है। आरोपी ने विभिन्न समयावधि में दोगुना राशि देने का झांसा देकर जमा कराया था। जांजगीर जिले में जयजयपुर तहसील के ग्राम पंचायत झालरौंदा निवासी किसान अरविंद आदिले अपनी पत्नी के साथ पैसा निकालने जिला सहकारी बैंक आए हुए थे। लगभग 50,000 की नकदी लेकर वे अपने घर जाने के लिए निकले थे। अभी वे हनुमान गेट के पास पहुंचे थे कि पीछे से बाइक सवार 2 अज्ञात लोग चलती गाड़ी से पैसे से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना अंतर्गत ग्राम कोटा गहना के स्कूल पारा में चरित्र संदेह पर आरोपी पति राजनाथ नगेशिया ने डंडे से पीट पीट कर पत्नी बृहस्पति नगेशिया की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी पति फरार हो गया। छावनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत श्याम नगर कैंप 2 में मंगलवार की रात आपसी रंजिश व जेल से छूटे युवक को मोहल्ले के 4 युवकों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। छावनी पुलिस द्वारा शीघ्र कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रेत और कोयला के बाद मुरुम उत्खनन और परिवहन के मामले में कोरबा जिला खनिज विभाग ने मंगलवार को करतला विकास खंड के ग्राम केरवा दुआरी के पास 4 ट्रैक्टर सहित 1 जेसीबी को जब्त किया। 5 दिन के भीतर विभाग की यह 43वीं कार्रवाई है। रायगढ़ जिले के तमनार थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या कर दी गई। वो अपने बेटे को पीटता देख बीच बचाव करने आया था, मगर आरोपी युवक ने उसे जमीन पर पटक दिया, फिर पत्थर से मार मारकर घायल कर दिया।
अब उसकी मौत हो गई है। घटना के बाद पुलिस ने अब आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। जशपुर जिले के गढ़वा मुड़ा अंतरराज्यीय धान बैरियर पर नगर सैनिक ड्यूटी कर रहा था। यह बैरियर अवैध धान को रोकने के लिए बनाया गया है। वाहनों की चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन के चालक ने विवाद करते हुए नगर सैनिक से मारपीट कर दी। शिकायत के बाद तबकरा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रायगढ़ के सिविल कॉन्ट्रैक्टर सुनील श्रीवास्तव से उसके परिचित पवन जायसवाल ने धोखाधड़ी कर फाइनेंस की 18 मोटरसाइकिल बेचकर 14-15 लाख रुपए हड़प लिए। कोतवाली थाने में सुनील श्रीवास्तव के आवेदन पर धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर आरोपी को रायपुर सेंट्रल जैसे प्रोडक्शन वारंट में लेकर CGM कोर्ट रायगढ़ में पेश किया गया। रायगढ़ में रामदास द्रौपदी फाउंडेशन के नाम पर लाखों रुपए का राशन लेकर धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी में प्रयुक्त वाहन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों को निशानदेही पर बचत राशन करीब 10,000 रुपए का बरामद कर आरोपियों को रिमांड पर जेल भेज दिया है। धरमजयगढ़ नगर पंचायत के अध्यक्ष के खिलाफ भाजपा पार्षदों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में कलेक्टर के निर्देश पर मंगलवार सुबह 11:30 बजे मतदान प्रारंभ हुआ। राजनीतिक खिस्तान के बीच अध्यक्ष तरुणा साहू अपने पद को एक मत से बचाने में सफल रही। राजनांदगांव जिले के आबकारी विभाग की टीम ने बाघ नदी बॉर्डर पर 3 शराब तस्करों को पकड़ा है। आरोपियों के पास से महाराष्ट्र निर्मित 52 पेटी शराब जब्त की गई है। तस्करों से एक कार व दुपहिया वाहन भी जब्त किया गया है। कवर्धा जिले के पोंडी पुलिस चौकी से 3 किलोमीटर दूर ग्राम पीपरखार में मंगलवार की दोपहर बिजली तार में हुए शॉर्ट सर्किट से गन्ने की फसल में आग लग गई। आग तेजी से फैली और लगभग 100 एकड़ की गन्ने की फसल तबाह हो गई। ट्रैक्टर के साथ ट्राली नांगर चोरी के मामले में बेमित्रा जिले की कंडरका चौकी पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी किशोर साहू और जयलाल यादव ग्राम तेलगा चौकी कंडरका थाना बेरला के रहने वाले हैं। दोनों को न्यायालय में पेश किया गया जहां से जेल भेज दिया गया है। बिलासपुर की तोरवा थाना पुलिस ने महिला के गले से चैन छीनकर भागने वालों को पकड़कर उसके साथ दो खरीदारों को भी पकड़ लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से स्कूटर मोबाइल सोने के जेवर और करीब करीब 4 लाख रुपए बरामद किया है। रायपुर से रांची जा रही एक यात्री बस हादसे का शिकार हुई है। जशपुर हाईवे पर रांची जा रही यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा बुधवार की सुबह 5 बजे रायडी पुल के पास हुआ। हादसे में 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है।